हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वेट कम करने के लिए आजकल लोग गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज मॉर्निंग में एक गिलास गर्म पानी के साथ एक चम्मच हनी डाल दिए और थोड़ा सा नींबू निचक दिया। ये आजकल ट्रेंड में है और बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये आयुर्वेदिक तरीका है? आइए जानते हैं आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। 5000 साल पुराना एक किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। उसमें लिखा गया है सेहत को कभी गर्म करके ना इस्तेमाल करना। तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी का ग्लास लिया और उसमें एक चम्मच हनी डाल दिया तो हनी गर्म हो गया। लेकिन आयुर्वेदिक किताब में लिखा है हनी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपने सेहत को गर्म करके खाया तो वो एक विष बन जाता है, जहर के समान बन जाता है। जहर मतलब आप खाया और तुरंत मर नहीं जाएंगे, लेकिन स्लो पॉइजन की तरह ये शरीर में काम करता रहेगा। तो ये धीरे धीरे काम करता रहेगा आपके शरीर में। इन फ्यूचर में आप हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां या डायबिटीज के चपेट में आ सकते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है? आयुर्वेदिक किताब चरक संहिता के हिसाब से पानी को गर्म कर लीजिए और वो पानी जब ठंडा हो जाए, मतलब पीने लायक हो जाए, तो उसमें एक चम्मच हनी आप डाल सकते हैं। गर्म पानी में कभी भी आप हनी को मत लीजिए। अगर आपके घुटने में दर्द है तो उसमें नींबू मत डालना, क्योंकि खट्टे रस के कारण से घुटने के दर्द बढ़ जाएंगे। या आपके कोई स्किन रिलेटेड बीमारी है या आप एलर्जेटिक है तो नींबू का रस बिल्कुल भी ना डालिए। आप पानी को गर्म करके थर्मस में डालिए और टाइम टाइम पे आप वो पीने लायक गर्म पानी को पी सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी चर्बी धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों, वेट लॉस के लिए वर्कआउट कीजिए या कुछ एक्टिविटीज कीजिए, फील्ड के एक चक्कर लगा के आइए और डाइट पर ध्यान दीजिए। मीठा या तले हुआ खाना कम खाइए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।